हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ऐसा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। अब ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? जैसे आप किसी को एड्रेस बताते हैं अपना, तो कैसे बताते हैं कि आप जवाहर नगर आना, वहाँ ये वाले मकान के पास या इस गली में आके मुड़ना, उसके बाद वहाँ से उस गली में आगे जाके तीसरा मकान होगा। मतलब एक कोई रिफरेंस पॉइंट रहता है ना एड्रेस बताने के लिए। लेकिन यदि हम इतनी बड़ी धरती में यदि कोई जगह को लोकेट करना चाहें कि वो कहाँ होती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप कैसे बताएंगे? बहुत बड़ी, आप किसी अमेरिका के किसी पॉइंट का बता रहे हैं, तो जब तक एग्जैक्ट पॉइंट आप कैसे खोजेंगे, क्योंकि आपको कोई रिफरेंस पॉइंट चाहिए, तो वो रिफरेंस पॉइंट को कैसे निकालें हम कि वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन हो जाए, वही चीज जो है हम आज पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ग्लोब होता है, पहली चीज है ग्लोब। ग्लोब आप देख रहे हैं, ये ग्लोब है ना। ग्लोब क्या होता है? ये बिल्कुल अर्थ के जैसा लगभग उसका मिनिएचर मॉडल होता है अर्थ का। जैसा अर्थ होता है वैसे ही ग्लोब को रखा जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये तिरछा है ना। धरती हमारी इसी तरीके से तिरछी है, एग्जैक्ट सीधी नहीं घूम रही है, वो कुछ एंगल में मुड़ी हुई है ना। इसलिए उसको एक्चुअल दिखाने के लिए क्या किया जाता है, ग्लोब को ऐसा तिरछा लगाया जाता है। वो जितने एंगल में, यदि ये मान लीजिए एक रिफरेंस एक्सिस है, तो इससे वो कितनी घूमी है ओरिजिनल में, उतना ही एंगल पे ग्लोब को भी रखा जाता है। तो ये हमारा क्या, अर्थ का एक्सिस है। क्या है ये? अर्थ का एक्सिस, इसके अराउंड वो घूमती। ठीक है, तो ये ग्लोब क्या होता है? ये ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है। क्या है? ट्रू मॉडल और मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे एक्सिस के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, देखिए ये एक्सिस है। एक्सिस वो लाइन है, वो काल्पनिक लाइन है जिसके अराउंड अर्थ घूमती है, काल्पनिक लाइन है ना। ये बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच से होके जाती है लाइन, तो इसके ही अराउंड हमारी पूरी अर्थ घूमती है। ये देखिए यहां पे दिख रहा है, ये ऐसे घूम रही है, लेकिन ये आपका रियल मॉडल नहीं है। ऐसा अर्थ एक्चुअल में ऐसा इस तरीके से है, ठीक है, घुमा हुआ है। तो एक्सिस आपको समझ में आ गया, फिक्स्ड नीडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब टिल्टेड इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, आपका ये जो है एक्सिस के अराउंड इसको आपको अर्थ को घूमना है। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे इक्वेटर है ना। इसमें ऊपर में आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। ऊपर वाले पॉइंट में क्या है, नॉर्थ। ये नॉर्थ की दिशा है। यदि आप ये इसको देखेंगे, हमारा ये इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ साइड में कश्मीर है करके, तो ये नॉर्थ का एरिया है यहाँ पे, इसको बोलेंगे। ये ऊपर वाला जो पोल है, जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और वैसे ही नीचे वाला पॉइंट जो है साउथ में है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद एक लाइन जो होती है, जो धरती को हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काटती है, जैसे इसमें ये दिख रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, ठीक है, ये जो लाइन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो जो आपको यहां पे वो ऐसी नजर आएगी, इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी यहां से, तो ये क्या है, इक्वेटर। क्या है वो? इक्वेटर। ये देखिए यहां पे अनादर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर नाम ही से समझ में आ रहा है, इक्वल पार्ट में बांटने वाला, इक्वेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो आधा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए यहां से लाइन गई है इक्वेटर, है ना, तो यहां का ऊपरी हिस्सा जो कहलाएगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
ये सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि साउथ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसलिए नॉर्थ में है। ये आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या है साउथ पोल, ठीक है। बीचों बीच की लाइन इक्वेटर और एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड पूरा अर्थ घूमती है, जैसे भौरा एक जगह में घूमता है ना, एक एक्सिस में वो घूमते रहता है, तो वो जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो किस्म की लाइनें होती हैं इसमें, आप यहां देख सकते हो, ये इसमें यदि ग्लोब में आप देख पा रहे हो ये जो मॉडल में, इसमें कुछ लाइनें आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टली जा रही हैं और कुछ ऊपर से नीचे आ रही है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हुई लाइनें हैं। ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं, एक ये ऐसी जो इक्वेटर के पैरेलल चलती है जो लाइनें, और एक ऊपर से नीचे की ओर आने वाली लाइनें, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, ये देखिए ऊपर में नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, ये जो लाइनें हैं जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, सारी लाइनें काल्पनिक हैं, सही में खींची हुई नहीं है, ठीक है। ये डिग्री से वेरी करती हैं, मतलब आपको जो बताया जाता है कि इनको हम नापते हैं डिग्री से कि ये कितने डिग्री, यदि ये देखिए ये एक्सिस पॉइंट है बाय द वे धरती का, यदि ये एक्सिस पॉइंट होगा और ये इक्वेटर से इसको अपन 90 डिग्री लेंगे तो वो कितनी डिग्री ऊपर में डेविएट हो रही है ना, ये डेविएशन है। तो इसका ये थे 20 डिग्री, यहां से ये एक्सिस के साथ जो ये लाइन बनाएगा उससे ये 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और ये अगेन लास्ट में 90 डिग्री तक डेविएशन होता है। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का 90 डिग्री और फिर क्या होगा, ये इस तरफ आएगा 180, देन आगे, देन पूरा 360 कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के चलती हैं, इक्वेटर के, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइंस चलती हैं इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इस तरीके से क्या होता है, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके बाद आपका ये समझ लीजिए कि ये आके यहां से पूरा जब गोल घूम के यहां पे आएगा तो अगेन ये इसी लाइन पे आ गए 180 डिग्री, है ना। तो यहां से घूम के पूरा 180 तक आएगा, देन पूरा घूमेगा धरती को, फिर 360 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जो होता है, अब यहां पे देखिए इक्वेटर जो होता है ना, ये 360 डिग्री जो होता है टोटल, है ना, ये क्या करता है आपका पूरे धरती के राउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 1/4 जो है वो 90 डिग्री होता है, इसका जो 1/4 90 डिग्री मतलब एक चौथाई हिस्सा इसका इस साइड होगा, एक चौथाई इस साइड, एक चौथाई यहां पे और एक चौथाई यहां पे, मतलब 1/4 मिलके पूरा ये एक कंप्लीट सर्कल बनता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिग्रीज में नापते हैं। नाउ इसका तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये जो है आपका एन से रिप्रेजेंट होता है नॉर्थ पोल, और ये जो होता है एस से रिप्रेजेंट होता है साउथ पोल, ये एन से देन ये एस से, ठीक है। अब यहां पे भी हमारी धरती, ये आप ये देखेंगे, ये वाला पोर्शन को देखिए, ये वाला आपका जो चित्र को देखिए मैप को, इसी इन्हीं लाइंस के हिसाब से है ना, ये आपकी यही लाइन है जो पैरेलल चली है इक्वेटर के, इक्वेटर के पैरेलल है ये धरती, एक्चुअल में इस तरीके से दिखाता तो आपको ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नजर आती है, लेकिन अपन एक साइड से यदि देखेंगे तो अपने कैसा लगेगा कि ये उठ रही है ना। तो यहां पे देखिए ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ठीक है। यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये हमारा एक लाइन का रिफरेंस है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, ये जो लाइन कहलाती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहां से यही जब डाउन में आते हैं तो ये वाला कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऊपर वाला जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली लाइन भारत से होकर जाती है,
ठीक है, अगेन इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या पढ़ेंगे इसको? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये कहलाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। क्या कहलाता है ये? आर्कटिक सर्कल। ये ऊपर का जो जोन है, अभी यहां पे भी सेम, नीचे में भी हो जाएगा। यहां पे नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल, यहां पे भी 66.5, 23.5, 23.5, 0 से 23 डिग्री डेविएट किए, ये जो आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, यहां से आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहां से 66 डिग्री तक आप जब डेविएट करते हैं तो वो कहलाएगा आर्कटिक ऑफ सॉरी अंटार्कटिक सर्कल कहलाएगा, और ये है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ऊपर के जो जोन है, ऊपर और नीचे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बहुत ज्यादा ठंडे जोन है, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ये ठंडे क्यों है, है ना? क्योंकि देखिए बाय द वे आपका सन यहां पे है, बाय द वे, ठीक है, सन बहुत दूर में है, यहां से इसकी रेज आ रही, जब रेज आती हैं तो ये वाले इलाके पर, क्योंकि ये सन की तरफ टिल्ट है ना, तो ये वाला जो इलाका है ना, उस इलाके में सीधी धूप पड़ती है, ठीक है, और सीधी धूप पड़ने के कारण ये वाला जो इलाका है बहुत गर्म रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच का इलाका। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल भी इसी इलाके में पड़ते हैं, ठीक है, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल इसी इलाके में पड़ता है, तो ये कहलाता है टॉरिड जोन। क्या कहलाता है? टॉरिड जोन। इसके बाद जो आता है वो आता है टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन, मतलब ये जो इलाका है इसमें टेम्परेचर मध्यम टाइप का रहता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपका होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, क्योंकि नॉर्थ में है, और ये साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि साउथ में है। ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बता दिया ये ठंडा क्यों रहता है। देखिए अब ये इसकी सनरेज आएगी, है ना, यहां पे ये तिरछी पड़ेगी, ये पूरी पूरी यहां सीधी नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है, जब धरती राउंड मारती है ना सन के, तो ये वाला हिस्सा जो है वो समय समय पर सूर्य के सामने आएगा और ये वाला हिस्सा दूर जाएगा, है ना, एक समय पर ये वाला हिस्सा सामने आएगा, ये वाला हिस्सा दूर जाएगा। तो यहां पर अभी ठंड पड़ रही है ना, यदि आप ये वाला हिस्सा सामने आएगा तो ये वाला इलाके में ठंड चलेगी और ये वाले इलाके में गर्मी चलेगी, और जब ये वाला हिस्सा सामने रहेगा तो देन उल्टा रहेगा इसके, है ना, जब इधर सामने तो यहां गर्मी यहां ठंड। तो ये मौसम का जो चक्र चलता है ना, वो इसी की वजह से चलता है, ठीक है। और ये जो इलाका है यहां पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं और बहुत कम पड़ती है, बहुत कम समय के लिए, कम से कम यहाँ पे ऐसा रहता है कुछ इलाके इसमें कि 6-6 महीने तक धूप भी नहीं निकलती। तो ये बहुत ठंडा इलाका, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, तिरछी, सीधी लाइट नहीं पड़ेगी, सीधी लाइट पड़ने के लिए इसको यहां से आना पड़ता, लेकिन वो सीधी लाइट नहीं पड़ती, जब सीधी लाइट नहीं पड़ती तो गर्मी उतनी ज्यादा नहीं रहती, इसीलिए ये दोनों इलाके क्या है, बहुत ठंडे इलाके हैं, ठीक है। तो ये आपको ये वाले फोटो के जरिए मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हीट जोन्स। हीट जोन्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहां पे वही बताया है कि आपने यदि सीधी लाइट किसी जगह पे डाली है ना, तो वो क्या करता है, उस इलाके को ज्यादा गर्म करता है। तिरछी लाइट पड़ने से क्या, वो इलाका फैल जाता है, यही लाइट का देखिए एरिया फैल गया, ये कम एरिया में आ रहा है लाइट, है ना, तो पूरा जो इसका हीट है वो इस जगह पे, इतने ही जगह पे मिल रहा है, लेकिन यदि ये तिरछा कर दिए तो क्या होगा, ये इसका एरिया बढ़ जाता है, ये देखिए एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया तो स्वाभाविक बात है कि जो हीट एक जगह मिल रही थी वो जब ज्यादा जगह मिलने लगेगी तो वो उसका कम हीट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो अलग अलग जोन्स हैं, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन, है ना, ये सब इसीलिए होते हैं, ठीक है, और एक टेम्परेट जोन होता है। तो ये आपको समझा दिया मैं। अब ऐसे ही जो लाइंस हैं, कुछ लाइंस को इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ करती हैं, और ये देखिए इनको पूरी धरती पर ऐसा खींचा गया
है ना। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पूरे राउंड में खींचा गया धरती के। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए यहां से इस आपका जो 0 डिग्री है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है ग्रीनविच लाइन। ये वाली लाइन आपकी ग्रीनविच जो ब्रिटेन का एक शहर है, एक जगह है वहां पे, वहां से गुजरती है ये लाइन, तो उसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये यही आपका रिफरेंस पॉइंट है। फिर यहां से जो ईस्ट में है वो उसको बोलेंगे 120 डिग्री ईस्ट, है ना, या 20 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे जैसे जैसे आप डेविएट होते जाएंगे वैसे वैसे। तो यहां तक देखिए 90 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, वैसे इसके आप वेस्ट जाएंगे तो आपका ये 180 डिग्री तक वेस्ट तक भी जाएगा, टोटल 360 है। यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। ठीक है, तो जो 180 डिग्री और 0 डिग्री वाली लाइन है वो सेम है, ये धरती पर ऐसे गोल घूमती है। ठीक है, वही 180 डिग्री वाली लाइन है, वही 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। एक तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूं, आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कई बार हम लोग भूल जाते हैं क्या, तो लैटिट्यूड को आप नाम से देखेंगे वो लेटी हुई है ना, याद करने के लिए समझा रहा हूं, लेटी हुई लाइंस हैं इसलिए उसको लैटिट्यूड बोलेंगे, और ये क्या है, लंबी लंबी लाइंस हैं इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, हाँ। अब प्राइम मेरिडियन, जैसे मैंने बताया आपको 0 डिग्री एंड 180 डिग्री वाली जो लाइन है, ठीक है, वो क्या है, प्राइम मेरिडियन, या इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ये प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन, ये एक रिफरेंस पॉइंट लिया गया है यहां से ईस्ट एंड यहां से वेस्ट। ठीक है, ये देखिए आप यहां से, और ये जो लाइंस हैं ये आपकी कौन सी हैं, लैटिट्यूड्स हैं। तो ये दोनों जहां पे भी टकराएंगी, जैसे मेरे को मैं बताना है कि भैया मैं यहां जाना चाहता हूं, तो मैं किसी को क्या बताऊंगा, है ना, मैं उसको वहां का जो आपका इसका एरिया है, इसका जो ये ग्रिड अपना बनता है, ग्रिड का पॉइंट बता रहा हूँ भैया, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट में चले जाना। ठीक है, 30 नहीं 15 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री नॉर्थ में तुम जो ग्लोब का पोजिशन है, इस तरीके से ये किस में फायदा करता है, ये जब आप एरोप्लेन्स वगैरह या जहाजों में जाते हैं आपको कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन आपको यदि वहां की ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो आप उस जगह पर अपने जीपीएस के थ्रू पहुंच सकते हैं, इसलिए वो भटकते नहीं है, वो इस एग्जैक्ट जगह में ही जाके वो रुकते हैं, क्योंकि उनको वो वैल्यूज ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, है ना, या जहाज में पानी पानी दिखता है कहीं नहीं पता से चलता है, अपने को जो ये वैल्यूज मालूम रहती करके वो लोग भटकते नहीं है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन और आपका यहाँ पे 0 जो इक्वेटर लाइन, ये दोनों आप समझ गए। ठीक है, अब इनका फायदा क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दिया हूं कि हम कोई, जैसे कोई रिफरेंस पॉइंट है, जैसे B1 एक ये पॉइंट, ए का मैं लोकेशन क्या बोलूंगा, B1, मतलब एक बी लाइन में आप बढ़ो और जो वन लाइन दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइन। वैसे यदि यहां पे मकान होते तो मैं बोलता भैया यहां पे मान लीजिए 1, 2 और 3 मकान है, तो मैं बोला ए तरफ से जाओगे ना तो आपको तीसरा मकान पड़ेगा, तो इस तरीके से अपन लोकेट करते हैं ना, वैसे ही पूरी धरती पर ऐसे तो नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को बनाया गया है इसलिए ताकि हम लोग को पूरे धरती का रेफरेंस पॉइंट मिल सके। ठीक है, अब जैसे ये जो स्मॉल डी है इसका क्या लोकेशन होगा, तो E3 लाइन जहां पे कट कर रही है वो जगह है, तो इस तरीके से हमको ये खोजने में मदद करता है। ठीक है, अब ये जैसे आपका पूरी दुनिया का फोटो है, ठीक है, तो ये देखिए वही लाइंस हैं, इसको आपको एक उसमें पैरेलल शीट में बताया गया है, ये ऊपर से नीचे वाले वाली लाइन है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, ये यहां पे इक्वेटर इधर होगा, ठीक है, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जाता है, तो ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं, तो अपन कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उस जगह का आप यहाँ पे इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू बता देंगे तो आप एग्जैक्ट उसी जगह पहुंचेंगे। अपने शहर का आप लोग देखिएगा
स्मार्ट मोबाइल्स में कि अपने शहर का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, लॉन्गिट्यूड आपका जो है वो हमारे टाइम से कैसे हम लोग उसको पता करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि सुबह के 5 यहां भी बजते हैं, सुबह के 5 अमेरिका में भी बजते हैं, है ना। और 5 बजे सुबह वहां वैसी ही होती है जहां पे 5 बजे सुबह यहां पे जैसे होती है। तो ये कैसे होता है, इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, क्योंकि सन तो उस समय अलग अलग पोजीशन में रहता है ना। 5 बजे पूरी दुनिया में 5 नहीं बजता, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से डिसाइड होता है। इसीलिए हमको सन के मूवमेंट के हिसाब से हम लोग जो लॉन्गिट्यूड्स में वो मूव करता है, जैसे सन जो है ये बाय द वे यहाँ है ना, यहां से यहां मूव करेगा या यहां मूव करेगा, तो हर एक जगह में उसकी पोजीशन अलग रहेगी। तो हर एक देश के हिसाब से क्या करता है, अपन लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम अपन मान लेते हैं कि इस देश का स्टैंडर्ड टाइम इस जगह से चलेगा। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम को कैसे निकालते हैं, है ना, वो घंटों में जो अंतर आता है वो कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, उसके पीछे फंडा ये है कि अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। मतलब क्या हुआ, जो धरती है वो क्या करती है, पूरे धरती एक चक्कर मारती है। मतलब एक पूरा दिन जो निकलता है, जो दिन और रात दोनों होती है, उसका जो है वो 24 आवर्स में करती है। और ये 24 आवर्स में वो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है ना। तो इसमें कैलकुलेशन क्या हुआ कि भैया 15 डिग्री में, मतलब हर 15 डिग्री को एक घंटे में पूरा करती है। इसका मतलब आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, मतलब 15 डिग्री को वो एक घंटे में कवर कर रही। इसका मतलब क्या है कि 12 बजे जब ग्रीनविच, जो लाइन मैंने आपको बताया था, 12 बजे नून है ना, दोपहर का जो 12 बजता है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच विल बी, मतलब यहां पे जो 15 डिग्री जो ग्रीनविच जो है लाइन है ना, बाय द वे ग्रीनविच कोई ये पोजीशन है। ठीक है, अब ये इसका ईस्ट होगा और इसका वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहां से अपने को निकालना है। यदि मान लीजिए कि उसके ईस्ट में, ठीक है एक मिनट आपको दिखाता हूं मैं, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ग्रीनविच लाइन के यहां पे आप देखिए +3 +2, ये जो टाइम का दिखा हुआ 12 आवर्स इधर 12 आवर्स इधर। ठीक है, ये ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक, इसके जो ईस्ट में, इसके ईस्ट में मतलब इस साइड में, मान लीजिए इसके ये वाली लाइन जो है, यहां पे लाइन में जो टाइम क्या होगा, इस लाइन में जो टाइम होगा उसके बारे में बात हो रही है। ये आपका ग्रीनविच मीन लाइन है और ये ईस्ट है इसका, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, उसका जो टाइम रहेगा ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से, 15 डिग्री ईस्ट में 6 जो होगा वो क्या होगा, मतलब 15 डिग्री में कितना घंटा चलता है, बोले एक घंटा है ना, 24 आवर्स 360 डिग्री, तो 15 डिग्री में क्या होगा, 1 आवर। तो ये क्या हुआ, ग्रीनविच में ईस्ट में जो क्या होगा, वो जो टाइम होगा वो 15 × 4, ठीक है 60 मिनट। मतलब एक डिग्री के लिए कितना मिनट है, 4 मिनट है। जब 15 डिग्री के लिए 1 आवर है तो एक डिग्री के लिए कितना है, 4 मिनट है ना, डिवाइड कर दिया हमने। तो ये मतलब क्या होगा, हर एक डिग्री को चलने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 15 डिग्री चलने के लिए कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो ये क्या होगा, ईस्ट में इसका एक घंटे पहले चलेगा। ठीक है, अहेड होगा उसके, उससे आपको क्या होगा, इस तरफ जो इस साइड में है, आप यदि ईस्टर्न साइड में जाते हैं, सूर्य इस तरफ से ही निकलता है ना, ईस्ट ईस्ट से निकलता है ना,
तो इधर से जब सूर्य निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 15 डिग्री यदि आप इधर मूव करते हो तो वो क्या होगा, 1 घंटा उसका डिफरेंस रहेगा, 1 घंटे का समय का। 15 यदि 15 डिग्री चलता है तो 1 घंटे का अहेड रहेगा। मान लीजिए आपका ग्रीनविच में 12 बजा हुआ है ना, तो उससे पहले 1 घंटा पहले यहाँ पे क्या जाएगा, 11 बजा रहेगा। ठीक है, वो डिले नहीं होगा क्योंकि वहां पहले सूर्य निकला, वो थोड़ा सा आपका यहाँ बाद में बजेगा 12, यहाँ लाइन में 12 बाद में बजेगा, यहाँ पहले बजेगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके से वो अंतर है। तो ये आपका यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशन है 15। और वैसे ही अपन इस तरफ जाएंगे यदि, तो वो अलग अलग टाइम ऐसे शिफ्ट होते जाएगा, है ना। जब यहाँ 12, ये वहां पे 12 बजेगा तो यहाँ पे आपका 13 बज चुका होगा, यहाँ क्योंकि पहले 11 बजा है, मतलब 13 बजने वाला 1 बजना है। ठीक है, यहाँ पे 11 जब बजा है तो यहाँ पे क्या होगा, इससे 1 घंटा पीछे रहेगा, यहाँ 10 बजा रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे 11 बजेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम का हो गया आपका, बाकी इसमें कुछ और नहीं है, मेन चीज यही है ये समय को समझना। आप जैसे इस लाइन में आएंगे तो यहां से सनराइज करेगा, सनराइज करने से मतलब आपका यहाँ पे इस तरफ आपकी राती होगी, इस तरफ आपका दिन निकलने वाला रहेगा। ठीक है, तो इस तरफ में क्योंकि काफी अपना दूर है ये लाइन, बाई द वे मान लीजिए कि 2 15 डिग्रीज हैं, तो यहाँ पे जब सुबह का 4, वैसे तो इंडिया में सारी जगह 4 एक ही टाइम पे बजता है, लेकिन यदि टाइम जोन देश अलग अलग होता तो क्या होता है, जैसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का टाइम जोन भारत से अलग रहेगा। ठीक है, वहां के स्टैंडर्ड उन्होंने किसी जगह का मार्क किया होगा, वहां से नापा जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमारे हिसाब से नापा जाएगा। तो ये बीच का कुछ इलाहाबाद का कोई जगह है, वहां से इसको नापते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उस जगह से आप मनाते हैं, मतलब वहां पे जो टाइम है वो पूरा इंडिया में टाइम चलता है वही वाला। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम जोन चाहिए ना भारत में। भारत में मैं बोलूंगा भैया सुबह 8 बजे का काम होना चाहिए वाला, तो 8 बजे मतलब पूरे भारत में उस समय 8 बजेगा। अलग अलग अपन लोग इसको नहीं नापेंगे कि मेरा यहाँ पे जो अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है तो मैं अपने हिसाब से टाइम वहां नापूंगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 8 बजे यहाँ पे काफी दिन निकल जाएगा, यहाँ पे 8 बजे थोड़ा सा कम दिन निकलेगा, यहाँ 8 बजे और कम दिन निकलेगा, क्योंकि सूर्य इसी तरफ रहेगा, ऐसे मूव करते आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बड़े बड़े देशों में अंतर आता है, नहीं तो इस तरीके से आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये किसको नापा गया है, आपको 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट को हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, है ना। ये इंडियन आईएसटी, आईएसटी पूछा जा सकता है कहीं पे भी, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहाँ पे है, कौन सा डिग्री है, 82.5। ठीक है, इसको हम नापते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, यहाँ तक आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके।